अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूँ, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूँ, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को जोड़ा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस से, साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूंगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक ही लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की, जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी एक बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे, बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा। तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उसके गति लाने का आवश्यकता है। सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आया और नक्सली समस्या लगातार बढ़ते जा रही है, जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। नक्सलियों के जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुंची है, ये मतलब ये उपलब्धि भी है। लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात, मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक ऐसा गढ़ जहाँ पर हरमा का क्षेत्र था वहाँ तक पुलिस तक पहुँचना जो अपने आप में उपलब्धि है। अब क्या लग रहा है, कोई अपने को हवाई हमले की या हवाई उसकी अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मांग में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीनपा पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया मिलेगा। एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। ग्रेहाउंड सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे? जवान भी देखिए, कई सारी चीजों के निर्णय हुए हैं, मैं नहीं मानते निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। और जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफी आगे पहुंचे। देखिए, जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कब बहुत सारी चीजें चर्चा हुई है मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया। जवान, धन्यवाद।